संत निरंकारी बाबा हरदेव सिंह की अंतिम यात्रा में उमड़े श्रद्धालु, देश विदेश से पहुंचे भक्त। दिल्ली के निगम बोध घाट पर थोड़ी देर में किया जाएगा अंतिम संस्कार। नाम बदलने पर जारी खींचतान में एक्टर ऋषि कपूर भी कूदे, साधा गांधी परिवार पर निशाना। पूछा, आखिर हर प्रॉपर्टी का नाम गांधी परिवार के नाम पर क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की ठुकराई मांग। बीसीसीआई अध्यक्ष चुनाव पर प्रतिबंध लगाने से किया इनकार, 22 मई को होना है चुनाव। एनआरएचएम टेंडर प्रक्रिया के दौरान गड़बड़ी का मामला एसीबी में हुआ दर्ज। एसीबी ने जयपुर समेत 10 ठिकानों पर शुरू की छापेमारी। तत्कालीन अतिरिक्त मिशन निदेशक नीरज के पवन के घर और दफ्तर पर भी छापेमारी। मामले में हो सकती है कुछ गिरफ्तारियां। प्रदेश में रिफाइनरी के मामले में आज सरकार और एचपीसीएल के बीच होगी बैठक। 3 साल पुराने मुद्दों पर आज होगी बात। रिफाइनरी के लिए जमीन, पानी और बिजली को लेकर होगी चर्चा। केंद्र के निर्देशों पर हो रही है बैठक। आज खत्म हो सकता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना। कार्यकर्ताओं की कुछ मांगों पर विभाग ने जताई सहमति। 8 दिन से चल रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना। कोटा के प्रिंस हत्याकांड मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हत्याकांड के मास्टरमाइंड को कोटा पुलिस ने भोपाल से किया गिरफ्तार। गिरफ्तार छात्रों को 2 दिन की पुलिस रिमांड। जोधपुर में युवती को भगाने आए युवक की लोगों ने काटी नाक। युवती को दोबारा भगाने आया था युवक। मामले की जांच में जुटी मथानिया पुलिस। कोटा के एमबीएस अस्पताल में लगी आग। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकअप सिस्टम रूम में आग लगने से पूरे अस्पताल में फैला धुआं। अस्पताल की बिजली हुई गुल। दौसा में बीती रात चोरों ने तोड़े दुकान के ताले। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ चोर। सुंदरदास मार्ग की घटना, पुलिस जांच में जुटी।